क्रिस्पी और अलग अंदाज में बैगन का पकोड़ा बना रही हूँ। तो देखिए, दो पीस इसे कर दी हूँ और इसे पतले पतले ये देखिए काट देती हूँ। ये चावल का आटा ली हूँ और 2 बड़ा चम्मच मैं बेसन ले ली हूँ, मिर्चा पाउडर और नमक, ज़्यादा कुछ नहीं, अजवाइन डालूंगी थोड़ी सी और इसे धीरे धीरे फैट देती हूँ। टी स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दूँ, इससे ये क्रिस्पी बन जाएगा हल्के, और ऊपर से इस पर सारे कोट कर दे रही हूँ बेसन वाले बैटर में, ये देखिए, और नहीं डाल देती हूँ कढ़ाई। क्रिस्पी देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत क्रिस्पी बनी है। आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालें, बहुत अच्छी बन, इसे निकाल देती हूँ। सारे को मैं फ्लिप कर दी हूँ, इसकी थाली भी तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, आलू बैंगन टमाटर की मैं सब्जी बना दी हूँ। सक्सेस गाइस, देखिए कितना मस्त बना और कितना क्रिस्पी। मैं चावल का आटा बेसन, ये हमारा बैगन का यमी यमी क्रिस्पी पकौड़ा बन के तैयार है और हमारी थाली भी लग गई है लंच की। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई इंस्टा पेज माई यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24 और फेसबुक चंदा दी रसोई 24, सब पे जाके लाइक करें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।